अरे मैं पूरे घर में तुम्हें देख रहा था और तुम यहां बैठी हो और अकेले क्या हुआ? कुछ नहीं। तो भाई इतनी टेंशन में क्या हो गया हमारी क्यूट सी बीबी को? होगा क्या? अब एक काम करो, कहीं किराए पे कमरा मिल जाए या किराए का घर तलाश करो। किराए का घर, उसमें रहेगा कौन? हम लोग रहेंगे और कौन रहेगा? अच्छा, किसने कहा कि तुम किराए पे जा रही हो? कहेगा कौन अब यहाँ से? इससे अच्छा है कोई हमें जलील होके निकाले। हम इतनी तो शर्म रखते हैं कि हम खुद ही चले जाएंगे। तुम किराए की बातें कर रही हो और हम तुम्हारे लिए डायमंड का हार खरीदने के बारे में सोच रहे थे। डायमंड कार? डायमंड का हार जब दिला नहीं सकते हो तो झूठ क्यों बोलते हो और सपने क्यों दिखा रहे हो? दिला नहीं सकते हो? चलो मेरे साथ। अरे मुझे थोड़ी देर अकेले बैठना है, मेरा दिमाग अरे बहुत प्लीज डिस्टर्ब। यार, प्लीज मेरे कहने से चलो तो सही, प्लीज। अरे विक्की, अरे विक्की बेटे। अरे अरे पिताजी आप। हाँ हाँ कहिए। देखिए इसमें कुछ मैसेज वैसेज आया है। मैसेज आया? हाँ एक मिनट पिताजी, इसमें से आपके बैंक में से पैसे कटे हैं 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? जी। अब मैंने लिए 5 लाख निकाले ही नहीं है तो कट कैसे गए? लिखा हुआ है इस पे। अरे तो मैंने तो निकाले ही नहीं है, बोला अपनी अम्मा अम्मा को बोला उनसे पूछू मैं, उन्होंने तो ना निकाले। मम्मी मैंने तो अपने अकाउंट में से निकाला ही नहीं। एक मिनट मम्मी। अरे क्या हुआ बेटा? अरे ये बता भाग्यवान, तुमने कुछ पैसे वैसे तो नहीं निकाले? इसमें पैसे कटे हैं मेरे अकाउंट में से? नहीं। बैंक में से 5 लाख रुपए कट गए। 5 लाख? 5 लाख मैंने नहीं लिया, मुझे तो पैसों की जरूरत ही नहीं है, तो और मैं क्या करती? और तो और हमने जो गाड़ी ली थी वो भी मम्मा ने कैश दी है। अरे तो वो तो हमने कैश दिया है, तो वो तेरी मम्मा जो है कैश दे के आई है, तो मैंने सारे पैसे सारे साइन करके और 15 लाख रुपए इसे बेटा मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने कोई पैसा वैसा नहीं बैंक से भी नहीं लिया। ये तो बता भगवान, या तो मैं निकालता हूँ पैसा या फिर साइन करके चेक पे मैं तुझे दे देता हूँ, तो तू निकाल के लाती है। अब ये बता दे पैसे गए कहाँ फिर? 5 लाख? मैंने नहीं निकाले, मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं क्या करूंगी निकाल के? अरे तो फिर गए कहाँ फिर 5 लाख रुपए? मुझे तो 5 लाख रुपए का हुआ कि जब मैंने निकाले नहीं, इसने निकाले नहीं, तूने लिए नहीं, और ना किसी ने मुझसे चेक लिया, तो ये बता दे गए कहाँ पैसे? बिक्की बेटे मैंने नहीं निकाले, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, और इन्होंने मुझे कोई चेक भी नहीं दिया आपके साइन करके। मैं वही तो पापा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम में से किसी ने नहीं निकाले। विक्की बैंक को फोन मिला अभी। ठीक पापा, शर्मा जी के नाम से नंबर है बैंक का। हाँ उसे हाँ, मिला दे बेटा। उसी पे मिलाना है ना? हाँ बात करा। कॉल जा रही है, ये लीजिए उठा लिया। अरे शर्मा जी, मैं दीनदयाल बोल रहा हूँ, दीनदयाल। हाँ मेरे अकाउंट में से किसी ने 5 लाख रुपए निकाले हैं, जरा जानकारी करके मुझे ये बता पैसा किसने निकाला है। हाँ शर्मा जी, क्या मैंने तो कोई चेक साइन ही नहीं किया है भाई। हाँ मैंने कोई चेक साइन नहीं किया। हाँ अच्छा ठीक है, तो मैं मालूम करता हूँ। क्या कह रहे हैं रवि बेटा? ठीक है ठीक है ठीक है शर्मा जी, मैं आता हूँ और कल सुबह आता हूँ आपसे मिलता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, नमस्कार। मुझे बैंक जाना होगा भाई। पिताजी कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि भैया ने निकाले हो? शायद मैं उनसे पूछ लूं। अरे हाँ, अरे उनने टेंडर के लिए मेरे मुझसे साइन कराए। अरे तो कहीं हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने निकाल लिया हो? हाँ हाँ हो सकता है, ऐसा कर पूछ। एक मिनट बेटा, आराम से पूछना ना, उसने अगर निकाले होंगे तो वो बता देगा, परेशान क्यों हो रहे हो? चलो सच्ची बता रही हूँ, तुम मुझको इतना अच्छा लगा शॉपिंग करके, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उससे अच्छा मुझे ये लगा कि तुम मेरे साथ पहली बार इतना टाइम बिता कर आई हो। वो तो है, तुम्हें पता है उस रेस्टोरेंट में खाना खाया था कितना अच्छा लग रहा था? जब भी आप ऑफिस से लौट के आओगे मेरे लिए वहाँ का खाना पक करा के लाओगे। अब तुम खुश हो ना? अरे अब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, लेकिन ये इतना सारा पैसा आया कहाँ से आप पे? पहले अंदर चलो। अब अंदर आज सच्ची में आज ऐसा लग रहा है कि घर से कहीं बाहर निकली और मैं थक सी भी गई हूँ। अच्छा अब बताओ, अब तुम ये कह रही थी ना कि इतना पैसा आया कहाँ से, अब बताऊंगा मैं तुम्हें कहाँ से आया पैसा? कहाँ से आया? से कोई बैंक बैंक लूटी है क्या? बैंक नहीं, बस ये समझ लो कि थोड़ा टाइम है जो अब
अच्छा होने लगा है और कुछ बिजनेस के बारे में भी सोचा है अलग। बिजनेस के बारे में? लेकिन अचानक से मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें थोड़ा बताओ ना। तुम्हें क्या करना, तुम्हें जो चीज चाहिए, जो जिस चीज की जरूरत हो वो चीज तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएगी। और तुमने मुझे उस दिन एक बात समझाई थी ना कि सक्सेना के लड़के ने अलग बिजनेस किया है, तो मैंने तुम्हारी बातों को सुनकर मैं उसके पास गया था। अच्छा। और मैंने उससे बिजनेस के बारे में बातें की और उसने मुझे पूरी बात समझाई। उसी के सहारे मैं उससे भी बड़ा एम्पायर खड़े करने जा रहा हूँ और भगवान ने चाहा तो शायद हो सकता है कि इस शहर में सबसे बड़े बिजनेसमैन हम हों। हैं? सच में? सच में। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर इन लोगों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। क्यों? उन लोगों फिर तो हम अपना अलग फ्लैट बनाएंगे ना रहने के लिए। हम इस घर में नहीं रहेंगे क्योंकि तुम्हें नहीं पता उस दिन मुझे माँ जी ने इतना उल्टा सीधा बोला था मेरे से। चिंता मत करो, माँ जी के तानों को सुनना आज से बंद। बिल्कुल किसी के ताने सुनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अगर तुमसे ऊंची आवाज में बात करता है तो तुरंत उसको जवाब दोगी तुम। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ हाथ से हाथ और कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। बस मैं यही चाहती हूँ। और बस कुछ ही दिनों की बात है फिर मैं इन लोगों के साथ। अरे हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, इस खटारा में घूम घूम कर परेशान हो गई हो ना तुम। बहुत ज्यादा। बहुत जल्दी बहुत ही बड़ी और लग्जरी गाड़ी में घूमोगी तुम। सच में? सच में। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक नहीं, बस एक बात याद रखना, आएगी तो ऑडी ही आएगी। ये तो है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वैसे एक बात बताऊं, ये जो तुमने मुझे डायमंड का हार दिलाया है ना, अब मुझे यकीन होने लगा कि हाँ तुम भी कुछ कर सकते हो। चिंता मत करो, अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता क्या जाएगा। चल मतलब रवि। पिताजी ऐसा करो। रवि जी। पिताजी तुम ऐसा करो, तुम अंदर जाओ और ये कोट मेरा और बैग रख देना और तुम आराम करो क्योंकि काफी थक भी गई होगी तुम। जाओ बाय। ठीक है, आ जाइए पिताजी। जी बैठिए। भाई आज कैसे मौका मिल गया कि आप हमारे पास आ गए? अरे बेटा ये बता, बैंक से पैसा वैसा निकाला तूने? कुछ टेंडर वेंडर उस दिन तू साइन वाइन करा के ले गया मुझसे? जी जी पिताजी, जी पिताजी। अच्छा। 5 लाख रुपए लिए थे मैंने बैंक से। अरे यार मैं परेशान हो गया, तेरी अम्मा परेशान हो गई। नहीं तो मैंने वो 5 लाख रुपए मैंने आपसे मैं लेके कहा था ना, तो वो 5 लाख रुपए टेंडर के लिए जरूरत पड़ रही थी तो मैंने ले लिए। और बेटा ये बता, चेकबुक तो मेरे पास रहती है, साइन मैंने करी नहीं चेक पे। हाँ जी। और तूने 5 लाख निकाले कैसे? अरे पिताजी आजकल आपको पता तो है कितनी हाई रेटेड जनरेशन है, सब चीजें आजकल ऑनलाइन हो जाती है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो आजकल बहुत कैजुअल सी बात हो गई है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या चीज है भाई? हम तो जानते नहीं है इसके बारे में। पहले ऐसा होता था, हमारे पास तो चेक के बारे में जानते। पहले ऐसा होता था, आपने आप पेटीएम वगैरह तो जानते हैं ना आप? हाँ सुन रखा है, मगर मैंने इस्तेमाल तो ना पेटीएम फोन पे ये सब चलता है ना, इसी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी हो जाते हैं। अच्छा तो वैसे ही मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करा दिया। अरे फिक्र हो गई मुझे कि पैसा कहाँ गया, मैंने मतलब निकाला नहीं, माँ ने तेरी ने निकाला नहीं। जी मैंने कहा पैसा कहाँ गया, कल मुझे कम से कम बता तो देता, मैंने ले लिया। हैं? और वो छोटा भी मैंने कर रहा है, अब पिताजी मैंने नहीं निकाले। चलिए कोई नहीं, अब आप आराम कीजिए। मैं आराम करता हूँ, मगर ये है कि पैसा काम में लगाया। हाँ काम में, टेंडर के लिए गया। ठीक है भूल गया। हाँ। देखिए अब टेंडर तो क्लियर होने जा ही रहा है, तो उसमें से कम करीब लगभग 50 लाख रुपए के आसपास और निकल सकते हैं। 50 लाख और निकालेगा? जी पिताजी, क्योंकि काम के लिए देखिए मुझे निकालने जरूरी है। और देखिए आप टेंशन मत लेना, अगर पैसे निकलते हैं तो मैं ही निकाल रहा हूँ, बस ये याद रखना। ठीक है ठीक है। और देख पैसा निकाले तो ध्यान से निकालना और सही जगह लगे, ऐसा ना हो कि कारोबार ठप हो जाए और नहीं, पैसा नहीं, भी चला जाए। नहीं नहीं, सोच समझ के करना काम। आप टेंशन मत लीजिए, दीनदयाल इंडस्ट्री को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दूंगा कि लोग सराहना देंगे। अरे बेटा ठीक ठीक है, आप आराम कीजिए। हाँ चल बेटा ठीक। सराहना तो अब मैं दूंगा। धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला ना कर दिया तो नाम रवि नहीं है मेरा। बहुत तरसाया है ना तुम लोगों ने मुझे, एक एक रुपए के लिए उस औरत ने, उसके बेटे ने और इस बाप ने। अब देखो
ये सभी क्या करता है? खून के आंसू रुला रुला कर मारूंगा। लक्ष्मी। हाँ जी। वो और कुछ पता चला? हाँ पता चल गया, उसने रवि ने निकाले पैसे। हे भगवान। उन्हें टेंडर वेंडर भरा ना, कुछ फैक्ट्री का काम वाम कुछ आगे बढ़ा रहा है वो। इतनी टेंशन हो गई है, कल से खाना भी नहीं अच्छा लगा कि 5 लाख रुपए निकाले किसने। लक्ष्मी मेरा भी बड़ा दिमाग खराब था कि मैंने निकाले नहीं, तूने निकाले नहीं। अच्छा एक बात समझ में नहीं आई जी मेरे। हाँ बता। चेक हमारे पास है, ठीक है, किताब हमारे पास है बैंक की, तो पैसा रवि ने कैसे निकाल लिया, कुछ पता चला? वो मैंने पूछा उससे, देख मैंने कहा चेक हमारे पास, चेक बुक साइन न तेरी माँ ने करे न मैंने करे, तूने पैसा कैसे निकाल लिया? तो कुछ सुने ऑनलाइन वगैरह कुछ, अब नया जमाना ATM का कुछ ऐसा कुछ बता रहे हैं। देखिए तो उसने, उसने, उसने वो ऐसे निकाला है पैसा। देखिए मगर उसने कबूल तो कर लिया। नहीं वो तो अच्छा बेटा है मेरा, कबूल क्यों नहीं करेगा, उसने कुछ काम किया। पर एक मिनट रुको, मैं ऑनलाइन के बारे में सुना तो है, मैं विक्की से पूछती हूँ अभी। पूछ ले अभी बेटा। विक्की बेटा पापा को कुछ पूछना था। हाँ बेटा मैं ये पूछ रहा था, ये ऑनलाइन और ये ATM से पैसा कैसे निकल जाता है, बिना चेक बुक के बिना साइन के निकल जाता है? नहीं मेरा कोई साइन वाइन तो हुए नहीं। मेरी बात सुन, जो 5 लाख रुपए की कल बात हो रही थी ना, वो तेरे बड़े भाई ने निकाले थे, रवि भैया ने। अच्छा। अच्छा किताब हमारे पास है, चेक बुक हमारे पास है, तो पैसे निकल कैसे गए 5 लाख रुपए? मैं आपको बताऊं मम्मी और कुछ ऑनलाइन की बात हो रही थी। देखो मैं बताऊं आपको मम्मी और पापा कि दरअसल ऐसा होता है, जैसे अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं, अगर दरअसल अगर कोई और उनको निकालना चाहता है घर का सदस्य, तो आपके बिना परमिशन के वो पैसे नहीं निकलेंगे। तो फिर तो फिर पैसे कैसे निकल गए मेरे? आपने शायद किसी को अपना फोन दिया होगा। नहीं 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 विक्की मैंने फोन भी नहीं दिया किसी को। जब आपने फोन नहीं दिया और आपके अकाउंट में से पैसे निकल गए, देखो पापा कोई बात नहीं, भैया तो ही है और घर के किसी सदस्य ने निकाले और निकाले भी और बता भी दिया उन्होंने, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए। हाँ वो तो सही है, बता दिए, मगर मैंने तुम कह रहे हो ना कि वो हो जाता है मगर जॉइंट खाता, तो जॉइंट भी नहीं है। अब दरअसल ये बात तो बैंक से करनी पड़ेगी, बाकी आप इन बातों पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश ना करें। नहीं मैं ध्यान नहीं दे रहा, मेरा बेटा ही तो है निकाल। और हाँ विक्की और सुनो, अभी वो 40-50 लाख रुपए की और कह रहे हैं निकालने की। अरे भैया अब कर क्या रहे हैं? उसे बिजनेस कुछ नहीं, कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, कर रहा है कि वैसे वो पैसा बिगाड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। करा के ले गया मुझसे। एक मिनट पापा, एक बात बताओ कि किसी पेपर पे साइन कराए थे तुमसे? हाँ साइन तो करे थे मैंने, हाँ कुछ लाया था वो कागज। आपने पढ़ा उसे? ना मैंने तो पढ़ा ना, उन्होंने कहा मैं क्या पढ़ूंगा, रवि करा रहा था वैसे ही। अब पता नहीं, चलो अब क्या करा जाए, बेटा है ले लिए होंगे। अरे विक्की बेटा तू क्या सोच रहा है, है? नहीं 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 पापा, ऐसा करो मम्मी पापा को अंदर लेकर के जाओ, मैं सब भी इन्फॉर्मेशन ले लूंगा, आप चिंता ना करो। चलो विक्की सामान लेगा। भैया किसी कोई कागज लेकर के आए और पापा से बिना पढ़ाए या बिना कुछ चीजों उनको बताए साइन करा कर ले गए और अब 40-50 लाख रुपए और ले रहे हैं, देखना पड़ेगा। अरे बेटा विक्की, अरे विक्की, अरे कहीं पिताजी कैसे? देखिए बेटा कुछ मैसेज आया है इसमें, देख फिर दोबारा। हाँ एक मिनट पिताजी, 50 लाख रुपए निकाले गए हैं अभी। 50 लाख रुपए? हाँ तो रवि ने निकाले होंगे। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। बाकी तो देखो आपका पूछने का फर्ज था और मेरा बताने का। हाँ ना ना ठीक है ठीक कर, कोई नहीं। पर पिताजी देखो मैं एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने मम्मी के सामने नहीं बोला, आप अगर इतना पैसा दे रहे हैं भैया को, ये सब अच्छी बात है, बड़े भैया हैं कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, पर ज़रा पिताजी एक बार आप खुद ही नज़र मार लेते तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहता। देखो अगर कोई भी उन्होंने टेंडर लिया है तो बिना वकील के तो लिया नहीं होगा, अब वकील अंकल हैं उनके बिना मर्जी के या उनके वही सब कुछ सारे कागजात वही बनवाएंगे उस चीज़ के। तो फिर मैं वकील साहब से बात करता हूँ, आप थोड़ा उनसे मालूम। हाँ मैं मिलता हूँ तो सही। हाँ बेटा इस बात पर नजर। हाँ हाँ मैं मिलता हूँ। मेरा कहने का फर्ज है, बाकी आप भैया को मत बोलना है। ना 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 अरे नहीं मैं ठीक है वकील साहब से मिलूंगा। ठीक ठीक है बेटा ठीक है।
अरे वकील साहब, अरे वकील साहब, अरे दीनदयाल साहब कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे कैसा आना हुआ? अरे मैं ऐसे मैंने कहा आप बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं करी। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए अंदर आइए। हाँ हाँ आइए दीनदयाल साहब आइए, और नाश्ता वाश्ता लगवाओ। अरे नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ, बिल्कुल सब चीज से फारिग। अच्छा ये बताइए सुबह सुबह कैसा आना हुआ हमारे यहाँ? अरे सालों में आए हो क्या? हाँ। कुछ तो लेके। अरे मैं कुछ चाय वाय कॉफी वो भी कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ भी नहीं, मैं जल्दी जल्दी में आया था। मैं ये कह रहा था। हाँ बताओ। हमारे रवि बेटे ने कुछ टेंडर वेंडर लिया था, कुछ पता है आपको? टेंडर? हाँ बाहर से टेंडर वेंडर लिया है उन्होंने, मतलब फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री बनाने के लिए? फैक्ट्री बनाने के लिए नहीं, फैक्ट्री के लिए टेंडर मिलते हैं बाहर से जो हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई टेंडर वगैरह लिया? हाँ। नहीं मुझसे तो कोई बात नहीं हुई रवि की इस मैटर में। मुझसे तो कह रहा था वो कि मैंने वकील साहब से बात। लेकिन आप परेशान क्यों, क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं परेशानी कुछ नहीं है, वो उसने बैंक से पैसा वैसा निकाला है। बैंक से पैसा? हाँ 40-50 लाख रुपये। तो बैंक से पैसा निकाला है तो आपकी बिना इजाज़त थोड़ी निकाला होगा उसने? नहीं तो कोई ऑनलाइन वगैरह का बता रहा था कि ऑनलाइन निकाल लिया। मैंने तो चेक पे साइन करे नहीं है और उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं। अच्छा, अच्छा। रवि ने और बोले मैंने वो टेंडर के तो लिए। रवि तो वैसे ही होनहार बच्चा है, वो उसने हो सकता है कोई टेंडर वगैरह लिया हो। अब पुराने ख्यालात का आदमी है हम लोग, तो उसने सोचा होगा कि कोई नया कोई बड़ा अच्छा आइडिया टेंडर पास हो रहा होगा तो ले लिया होगा। वो तो सही है, घबराने वाली क्या बात है? नहीं घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ? मैंने कहा शायद आपकी नॉलेज में हो कि भाई आप टेंडर वेंडर के बारे में वो सब देखते हैं ना। हमारी नॉलेज में होता तो दीनदयाल साहब हम आपके घर के वकील हैं, आपको जरूर बता। वही बता रहा हूँ इसीलिए तो मैं आपको। और आपको आने की जरूरत ही क्या थी इतनी बात में, जो फोन पे बुला ले, मुझे बुला लेते अपने घर पे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बस इसीलिए आया था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ और मेरे लायक कोई? अरे बस 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 वकील साहब, बस आप यही सब। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। एक मिनट दीनदयाल साहब, दीनदयाल साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मैं। हाँ बताइए। हाँ बस यही कि आप जितना जल्दी हो सके तो अपना एक अकाउंट अलग बना लें। मैं अपना अकाउंट अलग बना लूँ? हाँ। क्या कहने का मतलब है आपका? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना जल्दी हो सके तो आप घर का बंटवारा कर दीजिए। अरे मेरे दिले देखे दो बेटे हैं, दोनों के मेरे बात किसका है, सब बेटों का ही है। नहीं दीनदयाल साहब आपको नहीं पता, आपके दोनों बेटे सगे नहीं हैं, एक दूसरे को सौतेला समझते हैं। मगर ये देखिए हमारे दोनों बेटे हम तो बिल्कुल सगे की तरह मानते हैं, और हम दोनों ही बेटों को आधी आधी प्रॉपर्टी देंगे ऐसा नहीं है, हमारे बात सब उन दोनों की ही है। कहीं हमने कभी सगा सौतेला नहीं समझा। दीनदयाल साहब कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया चुग जाए खेत आप देखते रह जाओ। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं समझा नहीं आपको, ये पहेलियाँ नहीं समझा। अगर कुछ पता है तो मुझे साफ साफ खुल के बताइए कि ये परेशानी है। मैं भाई पुराने ख्यालात का आदमी हूँ, मुझे नहीं पता ये सब बातें। तो दीनदयाल साहब आपको मैं बता ही देता हूँ, देखिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर तरस आ रहा है मुझे। एक तरफ आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग इतनी बड़ी फैक्ट्रियां तैयार करी बड़ी मेहनत से, और आप इतने बड़े बेवकूफ़ निकले कि सब कुछ तबाह भी कर लिया। क्या कह रहे हो वकील साहब? कह नहीं रहा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर मैं आपको असलियत बताऊँगा ना तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। पैरों के नीचे से ज़मीन तो निकल चुकी है, मगर वकील साहब आप असलियत भी बताते। असलियत ये है कि आपके बेटे ने आपसे साइन कराए थे? हाँ कराए थे। हाँ और ये क्या कि साइन करा लिया कि उसको कोई टेंडर वेंडर पास कर रहा है? जी आज मेरे पास ऑडी गाड़ी के पेपर्स बनवाने हैं। ऑडी गाड़ी के? हाँ मेरे 40 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है उसने आज। तो घर में तो कार पहले से ही है, मेरा छोटा बेटा विक्की लाया, उसको किसने मना किया था? दोनों चलाते घूमते, किसने मना किया है? और वो 40 लाख रुपए की ऑडी कार लाया है जी। और रही बात आपके बैंक से पैसे लेने की, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, वो जो पेपर आपने साइन किए थे वो पावर ऑफ अटर्नी थी, यानी आपने अपने बेटे को हर चीज़ का मालिक बना दिया, और उसने जाकर बैंक से लेके सारी चीज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लेके सारी चीज़ उसने अपने हाथ में कर ली। बस
नाम आपका चलेगा कंपनी का, पैसा सारा उसके अकाउंट में। साहब और हो सकता है घर जाते जाते देखो तो आपके अकाउंट से करोड़ों रुपए ट्रांजेक्शन हो गए हो। वकील साहब आप तो हमारे घर के वकील थे, अगर ऐसा आपके पास ऐसी सूचना और इस तरह का आपको दिख रहा था कि ऐसा हो रहा है तो मैं जो आपके पास चल के आना पड़ा, आप मेरे पास आ जाते तो इसका कुछ ना कुछ उपाय निकाल लिया जाता। अब बता रहे हैं आप कि सब कुछ उसके नाम हो चुका तो हम तो बर्बाद हो ही चुके। देखो दीनदयाल साहब, हम एक प्रोफेशनल वकील पेशावर, हमें पैसा मिला हमने ये सब कर दिया। देखो हमारा तो कुछ नहीं होना, बस एक चीज़ हो सकती है, आप अब कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय अदालत में चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन आपकी औलाद ने आपको धोखा दिया है और आप जो है बस आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ कि अगर आपका बेटा गलती से आपको घर से निकाल दे तो मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वकील साहब, हमें अपनों से कोई शिकायत नहीं है मगर आपने भी हमें धोखा दे दिया। धोखा धोखा दीनदयाल साहब, ये धोखा लफ्ज़ है ना बहुत पुराना है, सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। और रही बात धोखे की, हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया, जब आपके अपने ही खून आपका दगा कर गया तो मैं तो खैर बाहर का हूँ। आइए छोड़ देता हूँ। ठीक है, पापा, मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? पापा को क्या हुआ? क्या हुआ आपको? हॉस्पिटल ले चलो जल्दी ना। क्या हुआ है आपको बेटा? हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस को फोन लगाओ बेटा। एक मिनट, क्या हुआ है? हेलो एम्बुलेंस, पापा, भैया, भैया आपको कुछ पता है? बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। पापा को अटैक पड़ गया है। तो क्या मतलब? अरे आप इतना नॉर्मल आप कैसे वो कर रहे हैं आप? तो पापा आप को अटैक पड़ गया है। मैं तो अटैक पड़ गया है तो मैं क्या करूं? भैया आपको जरा भी मतलब शक नहीं लगा कि मतलब पापा को अटैक पड़ गया है? आप इतना नॉर्मली बातें कर रहे हैं। अरे आपके पिता हैं वो। पिता वो मेरे नहीं, पिता वो तेरे हैं। और अपनी जुबान को लगाम में रखकर बात कर, ठीक है ना? और मुझे कोई मतलब नहीं है किसको क्या अटैक पड़ा, कौन मरता है, कौन जीता है, मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। उनसे मेरा रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका है। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, पावर ऑफ अटॉर्नी अब मेरे हाथ में है, समझ रहा है ना? और तो मम्मी का चेक भी बाउंस हुआ होगा, है ना? हुआ है ना? मैं इसीलिए तो आया हूँ आपके पास कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ रही थी। पैसे? किस बात के पैसे? मैंने क्या यहाँ पेड़ लगा रखा है जो भिखारियों को दान में बांटता रहूं? भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ पता है कि आप पापा के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं? वो पापा जिन्होंने आपको मतलब आप बच्चे थे, आपको कंधे पे बिठा करके ले जाना लाना, ये सब आपके सारे खर्चे, सारे शौक पूरे कराना, आज उनको आपकी जरूरत है तो आप दूर हट रहे हैं? ओ प्लीज, मुझे ये परिवार वाले नाटक और ये ढकोसले मत सुना। और प्लीज, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जा सकता है तो। मिस्टर रवि, एक बात सुनते जाओ मेरी। बोलो। मैं जानता हूं कि पावर ऑफ अटर्नी आपके पास है, समझे? पर अगर मेरे बाप को अगर कुछ हुआ ना तो तुमको मैं बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद तो तुम लोग हो चुके हो। जो अब रोकर मुझे ये दिखाना चाहते हो कि मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन ये सब मैं नहीं करूंगा। वाह भैया वाह, वाह। जिस बाप ने आपको अपनी पूरी सारी संपत्ति, फैक्ट्री, पैसे, दौलत, शोहरत, सारे शौक कराए, और आज आप उस बाप के लिए
जो उनको चंद पैसों की जरूरत पड़ रही है आप वो नहीं दे सकते? बेटा तो तू भी है ना, तो ऐसा करना जो 15 लाख की गाड़ी में तू घूमता है ना, अब तेरी औकात नहीं है उसमें घूमने लायक, उसको बेक कर और अपने बाप का इलाज करा। वो तो मैं करा दूंगा। और ये कहना भी आपका जायज था कि मेरे पास 15 लाख रुपए की कार है, वो क्यों नहीं बेक रहा तू? वो भी बेकूंगा, पर भैया एक बात आपको मैं बता दूं, माँ बाप का दिल दुखाना मंदिर मस्जिद तोड़ने से भी कई ज़्यादा भड़के होता है, और आज आपको उनकी ज़रूरत है, ये समय कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। गेट आउट। विक्की? हाँ? क्या हुआ? विक्की? छोड़ो ना। किसकी तबीयत खराब है? विक्की? क्या हुआ है? पापा को अटैक पड़ा है। क्या? हाँ। पिताजी को अटैक आया है? और भाभी ये नहीं पूछोगी कि वो अटैक किसकी वजह से पड़ा है उन्हें? किसकी वजह से मतलब? अरे ये सब फजूल की बातें बाद में करना, चलिए चलिए। इसकी वजह से पापा को अटैक पड़ा है। ओ मिस्टर, उंगली नीची और आवाज नीची करके बात करो। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम लोगों का बाप अस्पताल में है और तुम लोग यहाँ झगड़ रहे हो, वो भी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप लोग ये झगड़ क्यों रहे हो? बताता हूँ भाभी इनकी पूरी कहानी। जो आप ये गाड़ी खरीदी है ना आपने, और जो आपके लिए डायमंड के हार आए हैं, जो आपके लिए तरह तरह की ज्वेलरी आई है। अरे हाँ, लेकिन ये तो इन्होंने अपना एक अलग बिजनेस। नहीं, इन्होंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। ये सारे के सारे जितने भी तुम्हारे पास जेवरात, जितनी भी गाड़ियाँ, ये दौलत शौहरत, ये सिर्फ पिताजी की कमाई, और इन्होंने धोखे से पिताजी को धोखा दे करके कि मैं कोई टेंडर खरीद रहा हूँ, उस वजह से पिताजी के साइन करा करके पेपर पे इन्होंने सारे पैसे निकाल करके और आपको शौक मोच कराई है। हाँ तो ठीक है ना, किया कब्जा। क्या? किया कब्जा। इसका मतलब इतना सारा पैसा वो सब पिताजी का था? जी हाँ। पिताजी का नहीं, वो मेरे हक का पैसा था जो मैंने छीन कर लिया है। हक का? अरे इस चीज को तुम हक कहते हो? अपने ही बाप के साथ धोखा करके इसको तुम हक कहते हो? मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता, और जा सकते हो तुम। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया अपने ही बाप को, आज तुम्हारी वजह से उनको अटैक आया है। अटैक आया? तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। एक एक रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ता था उन लोगों के आगे। अरे मैं मानती हूँ कि मैं इस चीज को नहीं भूल सकती, लेकिन अपनों के साथ कौन ऐसा करता है? चलो पिताजी की जगह कोई और होता तो मैं मान भी लेती, लेकिन वो तो तुम्हारे पिताजी हैं। अरे जो तुम इतने बड़े हुए हो, जितना तुम्हारा नाम है, सिर्फ उनकी वजह से, जिस दौलत पे तुम ऐश कर रहे हो ना, वो भी उन्हीं की है। और हाँ, जब भी तुम्हारी तबीयत खराब होती थी ना, सबसे पहले पिताजी भाग के आते थे कि मेरे बेटे को क्या हुआ। अगर चोट तुमको लगती थी तो उनके सीने में दर्द होता था। ये होता है बाप। और क्या कह रहे थे अभी तुम कुछ दिन पहले कि हमारे दुख के दिन गए? अरे मैं दुखी नहीं थी इस घर में। मैंने तुमसे ये कब कहा कि मैं इस घर में दुखी थी? बस हाँ, थोड़ी सी जलसी थी मैं, इस वजह से, क्योंकि मुझे अपनी कुछ कामों के लिए माँ जी से पैसे मांगने पड़ते थे। लेकिन मैंने ये सब नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया इस घर में। अगर तुम ये सब करके मुझे खुश करने के लिए अपनों को धोखा दे रहे हो, तो रवि मुझे ऐसे गहने, ऐसे डायमंड वाले नेकलेस मुझे नहीं चाहिए। मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने ही बाप को धोखा दो। कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता जो तुमने अपने बाप के साथ ऐसा किया है। अगर कल को उनको कुछ होता है ना, तो उनकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। मैं इतनी वो नहीं हो सकती। विक्की चलो, मैं तो जा रही हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम उन्हीं के बेटे हो। चलो विक्की। ठहरो। माफ कर दो मुझे, कुछ समय के लिए मेरी आंखें बंद हो गई थी, मैं भूल गया था रिश्तों के मायने। नहीं माफ करेगा मुझे? छोटा सा खिलाया है तुम्हें, आज
परिवार के मायने समझ में आए कि मैं कैसे धोखा दे रहा था उन अपनों को जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, मेरे गिरने में, मुझे उठाने में हर जगह मेरे साथी बने रहे। उस माँ को मैंने बुरा समझा जिसने कभी मेरे साथ गलत बर्ताव ही नहीं किया। अब देरी नहीं करते हैं, चल पिताजी को अगर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आओ ठीक।